ठीक है दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्यन। तो गाइस अभी हम इस वीडियो में करने वाला है कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग। तो गाइस आप इस तरह की एडिटिंग अपने फ्रेंड्स के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए या फिर ऐसे नॉर्मली भी कर सकते हो। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही ट्रिकी है, वीडियो को एंड तक देखना। और गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड और पीएनजी यूज हुए हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टा आईडी का, वहाँ से मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो गाइस अगर अभी हमारे चैनल पर हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। एंड यार वीडियो लाइक करना तो बिल्कुल ही नहीं बोलना। तो चलिए बिना देरी करते वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आपने इस पिक्सआर्ट को अपने कुछ इस तरह से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो देखिए आपको नीचे मिलेगा कॉलेज का ऑप्शन, उसमें देखिए ग्राइड का ऑप्शन मिलेगा। गाइस आपको उस पर क्लिक करना है और वहाँ पर क्लिक करने के बाद से गाइस आपने अपने फोटोज़ पर जाना है। वहाँ से आपने 9 फोटो सेलेक्ट कर लेने हैं आपने। तो यहाँ से गाइस हम अपने 9 फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर अभी आपको दिखाते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पे इसको 9 फोटो सेलेक्ट कर लिया है। और देखिए ये सेलेक्ट करने के बाद से आपने यहाँ से टिक कर देना है और फिर गाइस यहाँ से भी डन। और फिर गाइस अपने ड्रॉ टूल में जाकर गाइस इसको अपने सेव कर लेना है। तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं सेव। फिर गाइस आपने कोई नॉर्मल सा बैकग्राउंड ले लेना है, कोई सा भी इंस्टाग्राम के साइज का। तो यहाँ पर हमने इस बैकग्राउंड को ले लिया और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं रिसाइज। ठीक है, और रिसाइज करने के बाद सिंपली यहाँ से जाएंगे अपने ड्रॉ टूल में। तो यहाँ से गाइस हम अपने ड्रॉ टूल में आते हैं और यहाँ ड्रॉ टूल में आने के बाद लेयर्स पे जाते हैं और यहाँ से जाते हैं ऐड फोटो पे। और गाइस जो हमने अभी फोटो सेव की थी गाइस हम सिंपली उसको कर लेंगे ऐड। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद हम एक बार इसको टैप कर देते हैं और फिर गाइस ट्रांसफॉर्म पे जाके इसको गाइस छोटा करके एकदम ऊपर से एडजस्ट करते चलेंगे। तो यहाँ से हम इसको लगा लेते हैं। ठीक है, तो आपने भी एडजस्ट करके कुछ तरह से और भी छोटा आप चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने कुछ इतना ही छोटा रखा है। फिर इसको गाइस एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे और फिर ट्रांसफॉर्म करके इसके साइड में लेते आएंगे। फिर गाइस क्या करेंगे, फिर दोबारा से जाएंगे और दोबारा से वहीं से कॉपी करेंगे, फिर ट्रांसफॉर्म करके साइड में लेते आएंगे। और गाइस अगेन आपने वही प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर हम उसको भी कर लेते हैं और गाइस ट्रांसफॉर्म करके हम साइड में लेते आते हैं। ठीक है, तो गाइज देखिए आपका कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो आपने सिंपली डन करना है और फिर गाइज आपने जो अभी हुए हैं उनको सबको मर्ज कर लेना है। और यहाँ पर मर्ज करने के बाद से इनको एक बार कॉपी करना है और फिर नीचे की तरफ इसको स्लाइड कर देना है और फिर गाइज उसको कॉपी करना है और फिर नीचे की तरफ कर देना है। तो गाइज यहाँ पर मैं वीडियो थोड़ी फास्ट कर देता हूँ। तो गाइस देखिए हमने यहाँ पे एक परफेक्टली फुल कर लिया है। तो सिंपली यहाँ पर एम्प्टी लेयर बनाते हैं और ऐड फोटो पर जाते हैं। और यहाँ से गाइस हम अपने मॉडल को कर लेते हैं ऐड। तो यहाँ पर गाइस हमारा मॉडल हो चुका है ऐड। तो सिंपली इसको ट्रांसफॉर्म कर गाइस हम इसको बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा। इसमें गाइस आप साइज थोड़ा सा बड़ा रखना तो सही रहेगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर डन करेंगे। और फिर गाइस जो हमारा मॉडल का ओपेसिटी है उसको रखेंगे हम 70%। और फिर गाइस जो हमारी फोटो वाली लेयर है उसको हम कर देते हैं यहाँ पे, उसको भी 70% कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस अब कुछ सही से दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली मॉडल को ट्रांसफॉर्म कर देंगे क्योंकि उसकी आंखें सही से नहीं दिख रही है। तो गाइस आप भी इसको सही से कर लेना, जब अगर आप नहीं दिखे तो यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म करके इसको बड़ा या छोटा कर सकते हो। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको। तो ये गाइस परफेक्टली हो गया। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा मॉडल के ओपेसिटी को थोड़ा सा और कम कर देते हैं हम। तो यहाँ पर हम इसको रख देते हैं अबाउट 65 के आसपास। ठीक है, और गाइस देखिए आपने यहाँ पर इतनी ओपेसिटी रखने के बाद सिंपली इसको डिस्कार्ड कर देना है अपने ड्रॉ टूल से। और गाइस सिंपली आपको एडजस्ट में लेते जाना है इसको। और यहाँ पर एडजस्ट मिल जाएगा, आपने सिंपली इसके कंट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज करना है अबाउट 25 के आसपास। ठीक है, और फिर गाइस उसके बाद लास्ट में आपने चेंज लाना है टैम को, इसमें कर देना है इसको भी 25 के आसपास, फिर ये सही लगने लगेगा। तो देखिए गाइस अब हमारी फोटो फुल्ली कंप्लीट हो चुकी है।
तो गाइस आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।